एक युवा जब अपने साथी युवा को जोड़ेगा तभी संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से, क्योंकि अगर हमें मांगने से मिलने ही वाला होता तो अब तक मिल चुका होता, ये आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ मांगने से मिलता नहीं है, बाबा साहब ने बोला था अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप मांगेंगे और मिलेगा तो वो आप अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इसके लिए पहले आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा, संगठन मजबूत करके आपका सत्ता होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये मुद्दा अपने आप में इतना जीवंत मुद्दा है कि हमें इसको स्टार्टिंग में ही खत्म किया जा रहा है, जिसको कहते हैं निपिन द बर्ड, जो उगने से पहले उसको अंत किया जा रहा है। ये अभी तो पहली पीढ़ी स्टार्ट ही हुई है, पहली पीढ़ी अगर ये कुचल दी जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा साथियों कि इसको अपने तक सीमित ना रखें। अपने अगर आपने एक बंदे एक भी इंसान को एक भी अपने साथी को ये बताने में आप समर्थ हो पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे नाकाम किया जा रहा है, नकारा किया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सफल होगा। और दूसरी बात मैं एक ये बोलना चाहूँगा साथियों कि हम देखते हैं कि एक हमको एक रीजन दिया जाता है कि क्यों हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के पीछे रीजन ये दिया जाता है कि संस्थाएं जो इनएफिशिएंट होती जा रही हैं, इनएफिशिएंट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हम लोग तो अभी तक कभी मैनेजमेंट में रहे ही नहीं है, मूल निवासी जमात आज तक मैनेजमेंट में नहीं है। अभी भी किसी भी टॉप मोस्ट पोजिशन पर आप देखेंगे, बैंक्स के अंदर सीईओ देखेंगे, बैंक्स के अंदर आप एमडीज देखेंगे, और जितनी भी हायर पोजिशन में ये कंपनीज के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वहां पर भी कहीं पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो चलाने वाले तुम लोग, इनएफिशिएंट करने वाले तुम लोग, फिर उसको प्राइवेटाइज भी तुम लोग कर देते हो और बोलते हो कि हम लोग जो है इनएफिशिएंट है, हम लोग जो है इनकॉम्पिटेंट है। ये आपको समझना पड़ेगा, एक वीशियस साइकिल है, एक बहुत ही गंदा कुचक्र है ये, कि आप ही की संस्था को इनएफिशिएंट बता के प्राइवेटाइज किया जाता है, आप ही का रिप्रेजेंटेशन वहां से लिया जाता है, फिर आप ही को उसकी चोट पहुंचाई जाती है। इस पूरी साइकिल के अंदर वो एक दर्शक है जो पूरा का पूरा फायदा लेके जाता है, और इस साइकिल के अंदर पिसाई सिर्फ मूल निवासियों की होती है। ये आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इसको आगे लेके जाना पड़ेगा कि साथियों किस तरीके से आपको इस एक मोहरा बनाया जा रहा है, किस तरीके से आप ही उसके अंदर खिलाड़ी हैं और आप ही उसके अंदर